धार जिले के धामनोद निवासी सलीम मोहम्मद को जो पिछले कुछ दिनों से बीमार थे उनकी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई। इनका इलाज खरगोन के एक अस्पताल में हो रहा था जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिससे पूरा प्रशासन अमला सतर्क हो गया है। प्रशासन में एहतियातन तौर पर जवाहर मार्ग और नारायण कॉलोनी में बने मकान को सील कर दिया है। घर वालों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। BMO धामनोद, CMO, नायब तहसीलदार सोनिका सिंह, डॉक्टर और नगर पंचायत के कर्मचारी मौजूद थे। धामनोद से अकबर खान की रिपोर्ट। अब नाम कारण क्या के नाम में बड़ा वो होता है ना, ये 7-8 नाम भी यही है। कोई ठेकेदार बोले, कोई क्या बोले, आइए इधर पूछूंगी मैं। अभी आपको बता दो, कोरोना पॉजिटिव की लिस्ट आई है, उसमें खरगोन हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहाँ से इनका कोरोना का टेस्ट किया गया था, उसमें पॉजिटिव आया। तो हमको जब पता चला कि ये रहने धामनोद है, तो अब यहाँ पे अपनी टीम को भेजे हैं नगर पंचायत और BMO और इनको, तो घर पे आया और इनके घर वालों से जो पूछताछ की, बताया गया कि तबीयत खराब हुई थी, खरगोन गए थे एडमिट कराने, वहाँ इनका कोरोना का टेस्ट किया गया था और उसके बाद इनको शुगर और बुखार ज़्यादा होने के कारण इंदौर रेफर कर दिया गया। और बाद में कोरोना का दो घर है, एक घर में ताला बंद है, तो लोग हैं और यहाँ ये रह रहे हैं, और यहाँ के लोगों को डॉक्टर को दिया गया है कि डोर टू डोर सबका ये करें, और जो भी इसमें पाए जाते हैं उनके टेस्ट वगैरह की कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। और यहाँ का इंस्पेक्शन नगर पंचायत की टीम के द्वारा किया गया है, दोनों और कार्रवाई चल रही है। अब देखते हैं आगे और क्या होता है। तो मैंने बोला बहुत अच्छा चले गए, वो भी बुरा लगा। नहीं नहीं, धामनोद में ये पता चल रहा है कि यहाँ हॉस्पिटल गए थे, तो यहाँ पे अभी जांच ना होने कारण इनको बोला कि आप सरकारी हॉस्पिटल लेके जाते, खरगोन अस्पताल लेके जाते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।